नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बीकानेर से, जहां MiG-21 विमान क्रैश कर गया है। MiG-21 विमान बीकानेर में क्रैश कर गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखें किस तरीके से धुएं का गुबार निकलता हुआ यहां पर MiG-21 क्रैश साइट जो है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए MiG-21 पायलट जो है वो सुरक्षित है। वैसे हादसे को लेकर जांच का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती खबरों के मुताबिक पक्षी के टकराने से हादसा हुआ। विमान के उड़ान भरते ही यह क्रैश हो गया। वैसे मिग विमानों को उड़ता ताबूत कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफिन। एक तस्वीर यह भी है जिसमें मिग विमान के पूते ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। आज के हादसे ने मिग विमान के ऊपर फिर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जो थ्योरी आ रही है पक्षी के टकराने से, तो आपको बताना चाहेंगे मिग जो है ये जमीन से थोड़ा नजदीक उड़ता है, आसमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं लेता है, और ऐसे में जो पायलट होता है उसके पास मनूवर करने का समय बहुत कम होता है। ये तस्वीरें आपके सामने, MiG-21 विमान क्रैश, धुएं का गुबार, और वहां पर बस गनीमत इस बात की है कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया। लेकिन हां, कोई भी पायलट जो इजेक्ट करता है एक बार MiG-21 से, फिर उसके बाद सबसे पहले उसको चोट लगती है उसके स्पाइन में, यानी कि कम से कम 3 महीने का तो बेड रेस्ट होता ही होता है, और 3 महीने तक सभी उड़ानों पर पाबंदी, और उसके बाद भी अगर वो फिट है तभी वो फाइटर प्लेन उड़ा पाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।